दक्षिणी इलाकों में शहीदों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि 13 वर्षीय छात्रा को आइटम बम कहकर छेड़छाड़ कर दी, तो वहीं छात्रा के परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाए। बर्रा थाना क्षेत्र के भीमनगर कच्ची बस्ती इलाके में रहने वाली मां ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ अपने मकान में रहती है और लोगों के घरों में चौका बर्तन करके अपने घर का पालन पोषण कर रही है। उन्होंने बताया कि एक लौती बेटी जो घर पर रहती है और पड़ोस में रहने वाले शांति देवी, मनोज गुप्ता, हरिओम गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, हरीश आदि लोग मिलकर पीड़िता परिवार को गाली गलौज व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके मानसिक शारीरिक तौर पर परेशान करते हैं और बुरी नजर भी रखते हैं, अश्लील हरकत करते हैं और बोलते हैं कि 500 लेकर मेरे साथ अवैध संबंध बनाओ। जब पीड़ित परिवार ने बड़ा चौकी में प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। पीड़िता ने बताया कि बड़ा थाने में एक व्यक्ति को पकड़ा दिया गया तो वहीं उसे पैसे देकर कुछ ही देर में छुड़ा दिया। दबंगों द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं पीड़िता ने बताया कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। नाम है अंजलि और मनोज और हरिओम जब देखो हमको छेड़ते हैं और जब हम पीछे जाते तो कहते हैं और मेरी आइटम बम कहाँ जा रही हो और हमको पैसे की धमकी देते, कहते हैं चलो पीछे हम तुमको 500 रुपए देंगे और मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं और गंदे कमेंट करते हैं और घर में घुस जाते हैं जबरदस्ती। आपने अपने घर में बताया, फिर मम्मी लोगों ने क्या बोला, पुलिस के पास गए आप लोग? हाँ गए थे, पर पुलिस ने उनको पकड़ा था, उनने पैसे दे के उनको छोड़ दिया गया। पति बाहर रहते हैं, मैं बर्तन चौका करती हूँ। मेरी बेटी ने कई बार हमको बताया है, मेरे पड़ोस में दो लड़के हैं, हरिओम मनोज, मेरी लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं और गंदी ऐसे बात करते हैं और मेरी लड़की को कहते 500 रुपए दे चलो पारी के पीछे और लड़की को आए दिन गंदी नीयत से देखते हैं। भाई साहब से अगर मेरी लड़की के साथ कोई घटना हो गई तो मेरी कौन सुनेगा भाई, मैं तो बाहर चली जाती हूँ, मेरी लड़की अकेली रहती है, कोई है भी नहीं है देखने वाला, मैं छोड़ू तो किसके साथ छोड़ू, ये लोग हैवान की तरह पीछे पड़ जा रहे। पुलिस को एप्लीकेशन दी, क्या कार्रवाई हुई? एप्लीकेशन दी हूँ पुलिस वालों को, मतलब अपने उनको सबको पकड़ने के लिए कहा था, दामाद को पकड़ा है, दामाद को पैसा दे के छोड़ दिया गया है, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आप मेरी कार्रवाई नहीं सुनोगे तो मैं माता बेटी अपनी जान दे देंगी। अभी तो बेटी, मुझे अपनी एक बेटी को बचाना जरूरी है, मेरा कोई नहीं है। हाँ ये